हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद एफसीक में। इस पर्टिकुलर वीडियो में फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे आपका जो 65th बीपीएससी है इसका जो आंसर की ढेर सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट इनफैक्ट मैंने भी डाल दिया था। देखिए फ्रेंड्स, इसमें एक चीज़ मैं बता दूँ, 10 से 15 क्वेश्चन अभी भी लोगों के डाउट्स में है जो हर संस्थान या जिसके भी द्वारा बताया जा रहा है वो अभी आपके डिफरेंट आ रहा है। तो प्लीज़ ऑफिशियल आंसर की का वेट कर लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग मैं इस पर पूरी डिस्कस करूँगा कट ऑफ के बारे में। इसकी कट ऑफ इतनी ही कम क्यों जाएगी, पेपर कठिन था, कितने लोगों ने परीक्षा छोड़ी, कितने छात्र उपस्थित हुए थे और कितने छात्र क्वालिफाई होंगे मेंस के लिए, पूरी डिटेल्स हम इस पर्टिकुलर वीडियो में जानेंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप जैसा कि जानते हैं यूपीपीएससी 2019 का नोटिफिकेशन आ चुका है तो उससे रिलेटेड पूरी A to Z फुल डिटेल एनालिसिस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि अपकमिंग वीडियो की जितनी भी नोटिफिकेशन है वो आपको आसानी से और सबसे पहले मिलते रहें। देखिए फ्रेंड्स, कट ऑफ डिस्कस करने से पहले मैं 64th, इसके पहले जो आपके बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था उससे रिलेवेंट सारी चीज़ें आपको मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बता दूंगा जितने भी स्टूडेंट पास हुए थे पिछली बार मेंस के लिए, तो 19,109 स्टूडेंट को पास किया गया था। देखिए ये पूरी डिटेल्स मैंने ऑफिशियल वेबसाइट बीपीएससी के से ली है, आप वहाँ पे विजिट करके सारी चीज़ों को देख सकते हैं और सारी डिटेल्स में वहाँ दी थी, लेकिन जो काम की चीज़ थी मैंने वहाँ से इसको राइट डाउन किया है। वैकेंसी आपकी टोटल 1465 था और लगभग 13 गुना बच्चा, अगर आप इनसे डिवाइड करेंगे 13 गुना बच्चों को इसमें क्वालिफाई कराया गया था। कुछ इम्पोर्टेंट्स कट ऑफ मैंने यहाँ पर आपको रेलिवेंटली बता दिया है क्योंकि इसी से कंपेयर करके मैं अगला पूरा कट ऑफ बनाया हूँ और एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया हूँ। यूआर के जो जनरल की पोस्ट गई थी केवल मेल का मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, 97 गई थी, जैसे कि आप सारी चीज़ें चेक भी कर सकते हैं जो अपीयर हुए हैं तो वो चीज़ों को जानते भी होंगे, ठीक है। और बीसी बैकवर्ड क्लासेस की जो गई थी 93 गई थी, इकोनॉमी बैकवर्ड क्लास की गई थी जो आपकी 90 कट ऑफ गई थी, ठीक है। फ्रेंड इसी के बेस पे मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पे नेक्स्ट जो 65th बीपीएससी का कट ऑफ है आपका, वो मैं इसमें डिस्कस करूंगा जो कि आपके कल परसों एग्जाम हुआ परसों में 15 अक्टूबर 2019 को। इसमें जो सीट है आपकी 430 निकाली गई थी जो 434 पे होना है पूरा सीट्स है। फॉर्म फिल्ड किए गए थे आपके 4.5 लाख के आसपास में। जो स्टूडेंट अपीयर हुए ये एक्सपेक्टेड है क्योंकि जो भी जानकारी मिली उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें ढेर सारे स्टूडेंट जिनका यूपीपीएससी 2018 का मेन्स है उन्होंने परीक्षा छोड़ी, एग्जाम सेंटर दूर होने की वजह से ढेर सारे स्टूडेंट ने परीक्षा छोड़ी है, तो कुल मिला के 2 से 2.5 लाख बच्चे इसमें अपीयर हुए हैं। जितने कम बच्चे अपीयर होंगे उतने ही कम कट ऑफ जाने की आपकी पूरी पॉसिबिलिटी है। मेंस के स्टूडेंट देखिए फ्रेंड्स, जितने भी जैसे आप चाहे 63 बीपीएससी देख ले चाहे 64 बीपीएससी देख ले, उन सब में एक ही चीज देखने को मिला कि 12 या 13 गुना बच्चों को जितनी आपकी सीट है उसके बराबर मेंस में क्वालिफाई कराया जा रहा है। तो अगर 12 गुना की करें आप 434 के तो 5208 आएगा और 13 गुना करेंगे तो 5642, इन्हीं के बीच में बच्चे क्वालिफाई होंगे चाहे वो 5300 चाहे 5400 हो जाए, ठीक है। इससे ज़्यादा बच्चों को क्वालिफाई नहीं करा जाएंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और फ्रेंड्स मैं यहाँ पे बता दूँ कि जो पिछले वर्ष पेपर था, पिछले वर्ष पेपर की अपेक्षा इस बार का जो पेपर था थोड़ा सा टफ पेपर देखने को मिला है। फ्रेंड्स ये लोग बोल रहे हैं पेपर आसान था, तो कुछ क्वेश्चन तो आसान होते ही हैं लेकिन जब आप आंसर की मिलाते हो तब पता चलता है कि कितना पेपर आसान था। तो पेपर बहुत आसान नहीं कह सकते और ना ही बहुत ज़्यादा टफ कह सकते, लेकिन पिछले वर्ष की अपेक्षा जो पेपर था वो कठिन था। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ को। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेल फीमेल वाइज मैंने पूरी चीज़ें डिस्कस की है, तो कैटेगरी वाइज यहाँ पे सारा चीज़ पहले देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे किया है यूआर जनरल में आपका मेल का तो 96+, जिस भाई बहन का कट ऑफ मतलब नंबर 96 या 96 से ऊपर आ रहा है तो वो मेन्स की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें। फीमेल का कट ऑफ लगभग 10 नंबर पीछे होता है फ्रेंड्स, तो ये आप 85+ मान के चलिए, 85 के ऊपर जिनका आ रहा है तो वो क्वालिफाई होंगे, ठीक है। बैकवर्ड क्लास में देख लीजिए मेल का तो 92+ होगा, फीमेल का जो कट ऑफ होगा 82+ होगा, ठीक है। एससी की जो कट ऑफ है शेड्यूल कास्ट में यहाँ पे देख सकते हैं 84+ और फीमेल में इनकी कट ऑफ होगी 68+। एसटी की जो कट ऑफ है वो 87+ होगी और एसटी की जो फीमेल की कट ऑफ होगी 78+ होगी। फ्रेंड्स क्वेश्चन में जो डिफरेंस है प्लस माइनस 2 का हो सकता है, ठीक है, इससे ज़्यादा एक भी परसेंट चांस नहीं है कि कम होने का या ज़्यादा होने का, ठीक है। अब मैं डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स, अभी भी कोई आपका कमेंट हो इससे रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बता दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स मैं और डिटेल्स में सारी चीज़ें डिस्कस कर लेता हूँ यूपीपीसीएस 2019 के लिए।
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने पूरी डिटेल में चीज़ों को ओपन कर दिया है। देखिए उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन और असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ACF रेंज फॉरेस्ट RFO सर्विसेज एग्जाम 2019, ये पूरी डिटेल्स आपकी 16 तारीख से ओपन हो जाएगी, मतलब स्टार्ट हो चुका है। और फी जमा करने की डेट आपकी 11 है और लास्ट जो डेट है एप्लीकेशन सबमिशन का वो 13 तारीख है। देखिए फीस वगैरह में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं किया गया, कुछ एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट नहीं किया गया, आपकी सेम चीज़ें वही हैं। देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है कि जो आपकी, देखिए ये सब पे स्केल वगैरह मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दिया टेलीग्राम ग्रुप में, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहाँ पे ये सारी पूरी डिटेल्स मिल जाएगी, क्योंकि एक एक को डिस्कस करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ है और साथ साथ में ये चीज़, देखिए DSP वगैरह की पोस्ट के लिए बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, तो उनको मैं यहाँ पे बता दूँ, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के लिए हाइट्स वगैरह के लिए पूछ रहे थे बहुत सारे लोग व्हाट्सएप मैसेजेस और ग्रुप में कर रहे थे, तो मेल के लिए 163 और फीमेल के लिए 150 है, ठीक है। चेस्ट वगैरह के लिए आप सारी चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका जो, जैसे ये एक्स्ट्रा वालों का है, यहाँ पे बता देते हैं पोस्ट ऑफ रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर का, ये भी लगभग सेम ही है, ठीक है। DSP के लिए पोस्ट के लिए बोल रहे थे, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। फिर थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ, यहाँ पे मेल कैंडिडेट्स जो ओनली जनरल में है, अदर बैकवर्ड क्लासेस सब सिटीजन एंड शेड्यूल कॉस्टेस, इनके लिए पूरी जो हाइट है वो 165 रखी गई है, और चेस्ट के लिए एक्सपेंडेड 84, एक्सपेंडेड अनएक्सपेंडेड 84, एक्सपेंडेड 89, ठीक है। शेड्यूल ट्राइब्स के लिए हाइट 160 रखी गई है फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, चाहे अदर बैकवर्ड क्लासेस के हों चाहे शेड्यूल कास्ट के हों, तो 152 रखी गई है। शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 147 रखी गई। मिनिमम वेट ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स ऑफ ऑल कैटेगरीज ये 40 रखी गई है, ठीक है। ये सारी चीज़ है। और डिस्ट्रिक्ट कमांडेड ऑफ होम गार्ड्स के लिए देख लीजिए, लगभग वही है, मेल कैंडिडेट्स के लिए 165 ही है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 150, और फॉर द कैंडिडेट्स ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स एंड मेन कैंडिडेट्स ऑफ कुमायून एंड गढ़वाल डिवीज़न, ठीक है, तो 160 रखी गई है। फॉर द पोस्टमैन ऑफ सुपरिंटेंडेंट ऑफ जेल, ठीक है, तो इनकी हाइट थोड़ी सी इंक्रीज करके रखी गई है, ठीक है। मेल कैंडिडेट्स के लिए 167, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 147, फॉर अदर फीमेल कैंडिडेट्स 152। यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, हाइट 168 सेंटीमीटर एंड इन द कंडीशन ऑफ कैंडिडेट्स ऑफ कुमायूं एंड गढ़वाल डिवीजन नॉट लेस देन 163। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा यहाँ पे, डिप्टी जेलर वगैरह के फिर भी वही हाइट सब कुछ है। ये सारी कुछ डिटेल इंफॉर्मेशन दे रखी है कि आपको कैसे कैसे फिलआउट करना है। ये सिलेबस वगैरह मतलब पूरा सब कुछ इसमें पूरा दे रखा है, ठीक है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स कि क्या क्या चीज़ों को हटा दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा हम जूमआउट करके नीचे आ जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक पूरा अमर उजाला की कटिंग है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। PCS मुख्य परीक्षा से 5 विषय हटा दिए गए हैं, यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कि ये देख पा रहे होंगे, मुख्य परीक्षा से अरबी, फारसी, साहित्य जो है, सोशल वर्क जो है, डिफेंस और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग को हटा दिया गया, ये है। और एक चीज़ और भी दे रखा है कि 300 पदों पर चयन के लिए होगी परीक्षा। फ्रेंड्स देखिए, ये जो पद है वो बढ़ाए भी जा सकते हैं, इन कंडीशन में बढ़ाए भी जा सकते हैं, घटने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो अभी परेशान नहीं होना, अपनी जो तैयारी उसको काफ़ी बेहतर तरीके से करनी, क्योंकि इस बार कट ऑफ जाने के चांसेस थोड़े ज्यादा ही रहेंगे, 28 विषय ही रह जाएंगे 33 विषयों से घटाकर। देखिए 1500 प्रतियोगी बाहर, तो ये आप देख लीजिए, जैसे कि इन्होंने जो चीजें हटाई हैं, उसके साथ साथ पहले प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर 18 गुना अभ्यर्थियों को शामिल किया जाता था, लेकिन अब केवल 13 ही गुना अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा मेंस के लिए। तो ये कुछ मेनली डिटेल्स थे, इंफॉर्मेशन थी। अगर आपको अभी भी, देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि जो 10% सवर्ण को रिजर्वेशन मिलेगा, तो पहली बार इस बार PCS से स्टार्ट हो चुका है, तो इनको भी रिजर्वेशन मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपका अभी भी कोई कमेंट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप जो है और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, जो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, प्लीज उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि डिटेल इंफॉर्मेशन, इंस्टेंट इंफॉर्मेशन वहाँ पे सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।